आज़ादी बहुत अच्छी है, गाने सुन के अच्छा लग रहा है, जब मन करे तब गाने सुन सकते हैं, जो गाना मन करे सो जो मन करे वो खा सकते हैं पी सकते हैं, सो मेरे को अच्छा लग रहा है, आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट. नो आई थिंक दिव्या डिड हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर मी, इवन दो शी वॉज प्लेइंग अ गेम, शी वॉज वेरी स्ट्रेटेजिक, आई हैड अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर हर बाय द एंड एंड आई नो शी डिड फॉर मी. Hi Muskan, I'm Yatiksha from Selangor. हेलो, हाय, हाउ आर यू? I'm good, how are you? I'm well. So, कैसा लग रहा है आपको बाहर आके? आज़ादी बहुत अच्छी है, गाने सुन के अच्छा लग रहा है, जब मन करे तब गाने सुन सकते हैं, जो गाना मन करे सो जो मन करे वो खा सकते हैं पी सकते हैं, सो मेरे को अच्छा लग रहा है, आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट. मैंने देखा है कि आपने अपना खुद का एक छोटा बिग बॉस ओटीटी खोल रखा है. हाँ, इतना बोरिंग हो गया है लाइफ, इतना बोरिंग. मैंने देखा है ना, आई वाज लाइक वो कुछ कर ही नहीं रहे, तो आई वाज एंड सब मेरे को ये मैसेज कर, एक्चुअली आई फील, आई जेन्युइनली फील बैड फॉर द ऑडियंस, दे वर मैसेजिंग मी दैट ज्यादा मेरा ही दिखता था एंड दे वुड लाइक टू वॉच इट, है ना, एंड वो नहीं चाहते थे मैं बाहर आऊँ, तो अब क्या करें, सो आई जस्ट काइंड ऑफ फेल्ट, बिकॉज़ आई वाज लाइक आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू नो, आई आल्सो केम आउट ऑफ द हाउस, सो आई वाज जस्ट ट्राइंग कि थोड़ा सा अगर दे वॉन्ट टू सी मोर ऑफ मी देन आई कैन प्रोवाइड इट इन लिटिल फनी बिग बॉस वाइब्स. बट इन दैट फनी वे ऑल्सो वी कुड सी दैट समिता थोड़ा अलग वे में आप पोर्ट्रे कर रहे थे, सो वी वुड लाइक टू नो दैट हाउ डू यू, मतलब आपको कैसा लग रहा था कि शमिता कैसे बिहेव कर रही थी आपके साथ घर में? आई जस्ट थिंक काम वाली बात पे वो इन इवन इट वॉज काइंड ऑफ, इट वॉज ऑलमोस्ट फनी कि वो कितना अफेक्ट होती थी कि मैं काम नहीं कर रही, एंड द फनी थिंग है जब उसकी चॉपिंग की ड्यूटी थी, अब मेरे को ऐसा लगा मैं बिग बॉस में हूँ, बट जब उसकी चॉपिंग की ड्यूटी थी तो नेहा और प्रतीक और निशांत सारे चॉपिंग कर रहे हैं, मतलब बताओ, और अगर शमिता को इतना क्लीनलीनेस का था तो घर साफ क्यों होता था, घर कभी साफ नहीं था, तो आई जस्ट फेल्ट इट वॉज जस्ट कन्वीनियंस के ओ इसको ये कह दो कि ये काम नहीं करती, यू नो, आई माइट वर्क लेस देन हर, मैं मानती हूँ, ठीक है, मेरा काम करने का तरीका भी डिफरेंट होगा, मैं मानती हूँ, आई एम वे, आई हैव लिव्ड हाफ द लाइफ यू हैव लिव्ड, बट वो बार बार करना ना, इट जस्ट गॉट अनोइंग, इट डिडन्ट मेक सेंस, तो उस चीज का मैं मजाक उड़ा रही थी. एंड अभी भी इन द लाइव फीड वी कुड सी दैट निशांत वाज डिफेंडिंग यू नेहा के साथ जब बात हो रही थी, नेहा वाज ट्राइंग टू टेल दैट वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी, बट निशांत डिफेंडेड यू, सो हाउ डिड यू फील 5 हफ्ते अबाउट दैट? बाद नेहा अभी तक उसी बात पे अटकी हुई है, एंड वो यस अभी भी, एंड आई जस्ट थिंक शी जस्ट शी शुड लेट मी गो, इन द सेंस कि शी शुड जस्ट लेट मी गो, शी वाज टेलिंग निशांत की जैसे तुम मूस की केयर करते हो तो मेरी करो, वो सबसे यही चाहती है, पूरे घर से वो यही चाहती थी, जो मेरे साथ हुआ, आई री वॉच्ड इट एंड इट वॉज हॉरिबल, एंड वो ऊंची ऊंची रो रही थी मेरे को गालियां निकाल के, एंड शी कॉल्ड मी सड़क छाप, एंड ऑल आई सेड वाज ये पांडे आपने धोए हैं, सो आई जस्ट थिंक दैट शी शुडंट इवन ब्रिंग दैट अप बिकॉज इट्स बैड फॉर हर, वो उसके लिए ही बुरा है इफ शी ब्रिंग्स इट अप बिकॉज पीपल वर नॉट हैप्पी, लाइक आई सॉ देयर रिस्पॉन्सेज, यू नो, सो आई डोंट नो वो अभी तक क्यों, आई डोंट नो वाई शी ऑलवेज वॉन्ट्स एवरीबडी टू डू एवरी थिंग फॉर हर, ये बहुत ही चाइल्डिश थिंग्स होती हैं, ये टेंट्रम्स होते हैं, वेन यू आर अ ग्रोन अडल्ट यू स्टैंड बाई योर सेल्फ, एंड तुम्हें पता होता है कि दुनिया में तुम अकेले हो, वो बड़ी बड़ी बातें करती है कि दुनिया में वो अकेली है, बट शी डजंट लिव लाइक दैट एंड इट जस्ट कम्स ऑफ इमेच्योर. And this, we could see that Prateek was also trying to defend you, and Divya, your newfound bestie, also in the house, was backing you up in front of her. So, kind of three people were with you, but Shamita, Rakesh were not in that conversation. They didn't try to even bother about it. So, what would you like to say about that? इट्स नाइस दैट प्रतीक वॉज डिफेंडिंग मी नाउ, है याद आ गया उसे, टाइम मिल गया उसे. नो आई थिंक दिव्या डिड हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर मी, इवन दो शी वॉज प्लेइंग अ गेम, शी वॉज वेरी स्ट्रेटेजिक, आई हैड अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर हर बाय द एंड एंड आई नो शी डिड फॉर मी, सो वो अच्छा था, दैट्स गुड. एज फार एज गोज फॉर प्रतीक, मैं क्या ही कहूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, मे बी ही वॉज जस्ट कन्फ्यूज, आई गेट इट, कहीं ना कहीं आई गेट इट, हार्ड डिसीजन होते हैं, बट नो इट्स नाइस, आई डेंट वॉच इट, मेरे से देख नहीं हो रहा, बिकॉज जब वो मेरी बात भी करते हैं आई एम स्केर्ड अबाउट वॉट दे गन से, यू नो, आई डोंट वॉन्ट देम टू से समथिंग मीन नाउ बिकॉज मेरे लिए वो खत्म हो गया है, यू नो द शो इज फिनिश्ड फॉर मी, सो अगर मैं एंड आई कॉन्ट डिफेंड माई सेल्फ, आई एम नॉट देयर टू डिफेंड माई सेल्फ, इसलिए थोड़ा सा मैं कम ही देख रही हूँ. His sister also yesterday mentioned that he needs to maintain a thin line between his relationships.
So maybe he's trying to mend all the things. I hope कि जब वो बाहर आए वो ये चीज realize करे. I don't think वो अंदर करेगा. He's too far gone. And then he knows कि अब थोड़ा सा late है fix करने के लिए. But I'm glad his sister said that. And I have said it countless times. Other people have said it to him and Neha. पता नहीं वो क्यों नहीं समझ रहे थे या तो yeah I don't know क्यों नहीं समझ रहे थे. उनकी game ही better होती. दोनों की game better होती if they had just listened. And I think Neha ke sath yahi hai, she doesn't like to listen to advice or suggestions or whatever. She thinks she knows what she's doing. I have always listened to everybody's advice. At least ek kaan se andar leke socho and then bahar nikalo. But give people the benefit of the doubt ki unko bhi pata hai wo kya keh rahe hain. So I think Neha is, and jab wo baat karti hai mere bahar jaake maar padegi, mere se gussa honge. Well, agar tumhe ye lagta hai to fir change something. Agar tumhe If you think you're doing something right, then फिर ये चीजें मत बोलो, फिर अपने आप में confidence रखो. मेरे को बस यही problem थी. This was my problem कि you are doing both things. एक तो तुम्हें डर भी लग रहा है, तुम्हें पता है तुम कुछ गलत कर रही हो, फिर तुम कह रही हो कि so that was confusing to me. Are you planning on to catch up with the eliminated contestants? Yeah, I am. I spoke to them. Gaba messaged me. I spoke to Akshara. I spoke to Zeeshan. I spoke to Urfi. Urfi messaging. She said, "Thank you for being there for me in the show." अच्छा, तुझे भी याद आ गया अब. You know, so everyone is kind of coming back to me, which is nice. Zeeshan said, "She was supporting you while she was outside." Outside होके क्या फायदा? अंदर मेरे को आके कह रही है तू बदतमीज थी. मैंने कहा, Urfi यार, तेरे को प्यार किया था यार. जहां पे मैं इतना टाइम रह गई, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ निशांत, बट ही वॉज अ बिग सपोर्ट. And if you liked me, it was because Nishant mere saath baithta tha, mere se baat karta tha, meri baat sunta tha. So that really mattered. And I think Nishant is a strong player. But other than that, thank you for the support. Itna zyada mere liye maine rakha jab main bahar aayi. You know, ki mere ko sad hone ka mauka bhi nahi mila. Because everybody was just showering me with love. And clips. Mere ko photos bhej rahe hain. Ye dekho, humne aapke liye screenshots liye, aapke liye videos banaye. I was like, thank you. So it all meant a lot to me. Okay. Thank you so much, Musk. For your time. It's fun talking to you. You too. Bye. Bye. I'm very fine. I must say कि आप जितनी cute मतलब आप लगती हैं उतनी cute आपकी पंजाबी भी है. तो थोड़ा सा पंजाबी style में पहले एक introduction हो जाए आपका for our for your fans. मेरा नाम है मुस्कान जटाना, तुम्हें पता ही होगा बिकॉज मैं सुने में बहुत ज्यादा दिखती हूँ जैसे कि लाइफ विच इज इम्पोर्टेंट. मैं ही समाचार दी थी उत्थे. सो ते मैं आज इंटरव्यू कर रही हूँ थोड़े ना एंड थैंक यू. इसी के साथ सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी मुस्कान, बिग बॉस की जर्नी कैसे रही और क्या बिग बॉस की जर्नी में फाइनली मुस्कान अपना प्यार ढूंढ पाई? मेरे मम्मा के फ्रेंड मेरे मम्मा को कह रहे थे कि मुझे तो लगता है ना कि मूस को सच्ची में सच्चा वाला प्यार हो गया है ना. एंड माय मम्मा वाज लाइक ऐसा कुछ नहीं है. शी वाज लाइक इसे बाहर आके सब भूल जा रहा है, इसने कह रहा है बाहर में जा तू अपना देख मैं अपना देखूंगी. विच इज आई एम अ बिट लाइक दिस. आई थिंक काफी वनरेबल थी मैं अंदर एंड आई वॉन्टेड कम्फर्ट. एंड प्रतीक एंड निशांत वर जेन्युइनली दे वर वेरी गुड टू मी and so I wanted to be good to them. As far as it goes for love, yeah, love shav aata jata rehta hai, chhattis aate hai chhattis jaate hai, itni koi baat nahi hai. I will maintain a very good friendship with them, that I want to keep. Other than meri journey mujhe genuinely impressive lagi. I was impressed with myself. I was like wow, itni darti darti gayi thi and end mein I think I had it in my hand, in the sense ki I did make it to finale week. Okay, yeah. I made it to finale week, theek hai na. वो उन्होंने निकाल निकल दिया अपने हिसाब से, वो चलो अलग बात है. पर आई थिंक कि एज द यंगेस्ट कंटेस्टेंट आई डिड वेल एंड आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ. या यू एब्सोल्युटली डिड वेल एंड वी कुड सी दैट. और ऐसा खबरें भी हैं, ऐसे रूमर्स भी हैं कि मूस जटाना वाज नॉट द पर्सन हु गॉट द लोएस्ट वोट्स बट इट वाज नेहा भसीन और नेहा को बचाने के लिए मूस को आउट किया गया है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? सी द थिंग इज I didn't want to because I don't know ke kaise hote hain votes. Obviously andar wale votes thodi pata lagte hain, but the thing is the reception from the audience jo mereko pata laga hai, it's evident
आपको दिख जाती हैं ये चीजें कि कौन पसंद आ रहा है कौन नहीं पसंद आ रहा है. एंड देन देयर्स पोल्स एंड ऑल यू नो, एंड सो यू काइंड ऑफ गेट इट. आपको समझ आ जाता है कि ओके ये थोड़ी सी खेल खेल गए हैं यू नो. एंड आई फेल्ट, मेरे लिए तो चलो अनफेयर अलग बात है, ऑडियंस के लिए अनफेयर. इफ दे लाइक टू सी समबडी ऑन अ शो और आप उस बंदे को निकाल देते हो अपनी मर्जी से, देन इट्स अनफेयर टू द ऑडियंस. एग्जैक्टली. और एक और हम लोगों ने आपका पीस देखा व्हेन यू टॉक टू कैमरा, एंड यू टॉक टू कैमरा लाइक अ लॉट. और उसमें एक बार जो है आप दिल फाड़ रही थी और कह रही थी कि निशांत देखो ऐसे मेरा दिल तुमने तोड़ दिया है, फाड़ दिया है, एंड यू वर सेइंग अ लॉट एट दैट टाइम. और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे आप यू नो डरी हुई थी कि निशांत एक बार फिर से आपको धोखा दे देंगे, दिव्या के साथ अब उनकी ट्यूनिंग ज्यादा अच्छी हो जाएगी. सो वॉज देयर सम इमोशनल बैगेज जिसकी वजह से आपको इतने सारे थॉट्स आते थे? नथिंग लाइक दैट. आई थिंक ओके well there is it's just mostly that I've lost friends a lot. Every 6 months my friends have changed and meri life mein koi aise friend nahi rahe hain long for a longer period of time. I genuinely don't have friends. Meko andar bhi I think Pratik and Shanti pucha tha, do you have any close friends, and I was like I genuinely don't, you know. It's not that I'm a bad person, it's just that main ghar bahut move karti hu, I'm very spontaneous. Australia se yahan aa gayi, you know, my friends are now there, so aisi cheeze bahut hoti hain. And a lot of the times people aren't able to keep up with me, my energy or my thoughts or whatever. तो मुझे वहाँ लग रहा था कि जो निशांत मजाक करता है कि मैं irritating हूँ या वो मुझे नहीं like करता, and I kept telling him कि no you do like me, so वो मेरे को भरोसा था. तो मुझे कहीं लग रहा था मेरा भरोसा false तो नहीं है, am I just you know मैं delusion में हूँ कि he does like me and maybe he actually doesn't and वो connection change कर लेके. Okay, next question is कि बिग बॉस के घर से आने के बाद आप सबसे ज्यादा किस चीज को मिस कर रही हैं? बिग बॉस का कौन सा मोमेंट जो आप अभी भी मिस कर रही हैं? आई थिंक प्रोबेबली कि वहां पे गाने गाना अलाउड नहीं था तो हम अपने गाने बना रहे थे, दैट वाज रियली फनी. एंड मेरे पास हर मोमेंट के लिए कोई ना कोई गाना था, एंड वो आज का समाचार प्रेजेंट करना वाज आल्सो फन. आई लाइक कैमरास, आई लाइक बीइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरास, तो वो मेरे लिए इट वाज फन. आई डिडन्ट हैव एनी वरीज अबाउट दैट. ओके, आपको घर में क्लीनिंग की ड्यूटी मिली थी जो कि आप करती भी थी, पर फिर भी घर वाले आपको कामजोर बुलाते थे, तो कहीं यही रीजन तो नहीं है कि आप इस वजह से इविक्ट हो गई? आपको लगता है कि मैं काम चोरी की वजह से घर से निकला ही, फिर तो नेहा को निकलना चाहिए था? नहीं, नो दैट्स नॉट द रीजन. और जब काम चोरी का इल्जाम लगा भी था एंड ऑडियंस पे वो बात गई थी, सो इट वाजंट रियली प्रूवन. इट्स नॉट दैट आई वाज काम चोर, इट्स जस्ट दैट आई गेस मुझे क्षमता या राकेश जैसा काम नहीं करना आता, यू नो व्हाट आई मीन. नॉट एवरीबॉडी कैन डू काम द सेम वे. नेहा को पांडे नहीं धोने आते बताओ. सो इट डजंट मीन कि वो उस वजह से काम चोरी, क्योंकि अच्छी तरह नहीं धोने आते. आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस, बट आई डोंट थिंक वो रीजन था मेरे बाहर आने का. ओके, और नेहा के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? लाइक प्रतीक एंड नेहा का कनेक्शन, नेहा के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि शी शुड स्टार्ट प्लेइंग फॉर हरसेल्फ एंड शी शुड डू अ बेटर जॉब. जितनी वो अपनी बात करती है हर जगह हर वक्त, उतना ही उसे अपने लिए खेलना चाहिए जो वो नहीं खेल रही है. बस यही कहना चाहती हूँ. एंड द अदर थिंग इज कि मैं अग गई हूँ उससे. शी डजंट नीड टू स्पीक टू मी, शी डजंट नीड टू मेक जोक्स अबाउट मी. मेरे बारे में अभी बात करी जा रही है. आई जस्ट विश दैट देयर वाज मोर डिस्टेंस बिटवीन अस. ओके, और पूरे सीजन प्रतीक आपके दोस्त रहे थे, पर ऑटो रिक्शा टास्क के दौरान आपने फ्लिप मार लिया और प्रतीक की जगह दिव्या को चूज कर लिया, तो ऐसा क्यों? दिव्या ने आपसे कोई, आई थिंक आपने गलत इंटरप्रेट किया उसे, इन द सेंस कि मैंने दिव्या को चूज नहीं किया था. शी केम टू मी, स्पोक टू मी फर्स्ट, शी फाउंड के टास्क में मैं वर्दी हूँ, सो आई प्लेड विद हर. पर एंड ऑफ द डे आई वॉन्टेड प्रतीक देयर. पर अगर मैं लोगों को चूज करने पर रह जाती तो मुझे कौन चूज करता? एट द एंड ऑफ द डे प्रतीक डिडंट चूज मी, एंड मैंने उससे इतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी थी कि वो हर जगह मुझे चूज करे, बट ओनली अगर ही डजंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम मी. सो आई थिंक मैंने अपने लिए खेला. बिट्रे करने वाली कोई बात नहीं थी. मोर देन दैट आई वॉज मोर कंसर्न अबाउट हिम कि वो अपने लिए खेले. मेरा कंसर्न सबसे बड़ा यही था. बिट्रेल तो बहुत दूर की बात थी. सो मूव, यू वर लाइक वन ऑफ द एंटरटेनर ऑफ द बिग बॉस हाउस, एंड वी आर रियली मिसिंग योर प्रेजेंस. एंड आपके जाने के बाद प्रतीक एंड निशांत, उनका काफी इमोशनल ब्रेकडाउन भी हुआ, सो यू नो आप फॉलो कर रही हैं बिग बॉस घर से बाहर आने के बाद? थोड़ा थोड़ा. हाफ ऑफ इट इज काइंड ऑफ हार्ड टू वॉच बिकॉज निशांत इज लाइक
प्रिटी लो एंड वो देखने में मुश्किल लगता है बिकॉज यू कैन डू एनी थिंग, यू कैन स्पीक टू हिम, आप कुछ बात नहीं कर सकते. बट अदर देन दैट द अदर थिंग इज इट्स जस्ट बोरिंग. लाइक आई जेन्यूनली डोंट केयर नेहा और प्रतीक क्या बात कर रहे हैं, आई डोंट केयर राकेश और शमिता क्या बात कर रहे हैं. सो वो देखने में मैं क्या ही देखूँ मतलब. एंड ऑल्सो मूव आपके बाहर आने की वजह ऑडियंस नहीं, घर वाले खुद थे. वन ऑफ योर क्लोज फ्रेंड हिमसेल्फ, कहीं ना कहीं वो चाहता तो आपको बचा सकता था. वो चाहता ये था बट आई थिंक उसे समझ नहीं आई जो मुझे उसके बारे में. आई थिंक आई डिड गेट टू नो हिम, सो उस चाहत से मैं उसको फॉरगिव तो मैंने कर ही दिया था. बट इट्स मोर दैट आई होप कि वो बाहर आके खुद समझे कि मेरा क्या मतलब था, वॉट आई मेंट अबाउट नेहा. सबको बस यही लगा कि मेरी जेलसी थी, मेरी जेलसी थी. आई एम मेच्योर इनफ कि वो मेरी जेलसी नहीं थी एंड आई थिंक पीपल नो दिस, आई एम मेच्योर इनफ. इट वॉज नेवर अबाउट बींग जेलस, इट वॉज अबाउट कि प्रतीक की गेम ना खराब हो या वो गलत डिसीजन ला ले और ही डजंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. एंड एट द एंड ऑफ द डे ही डिड गेट डिस्ट्रैक्टेड. उसका रीजन था कि नेहा मेरे लिए तब थी जब मूस नहीं थी. मूस हमेशा उसके साथ ही थी, मूस डिडंट एक्चुअली लीव हिज साइड, इट्स जस्ट दैट मूस पूछू पूछी नहीं कर रही थी अब, यू नो, मूस हैड बिकम हर ओन पर्सन. एंड द अदर थिंग इज नेहा घर छोड़ के आई है, हम भी तो घर ही छोड़, सब घर ही छोड़ के आए हैं. इट डिडंट मेक सेंस, उसकी रीजनिंग सेंसिबल नहीं थी. दैट्स व्हाई मुझे थोड़ा सा, मुझे था कि अपना डिस्टेंस बनाए, घर के जब बाहर आएगा तब वी कैन सी. आल्सो मूव हमने ना कुछ बहुत ही अमेजिंग मोमेंट देखे, बी एट यू एंड निशांत मिमिकिंग अदर्स, यू हैविंग फन विद प्रतीक एंड निशांत, एंड वहीं यू नो आते आते जब ऑटो रिक्शा टास्क हुई, You supported Divya, we can say, or you teamed up with Divya. So you know, still, क्या था you know आपके मन में कि अब प्रतीक के अगेंस्ट करी गई? ऐसे मुझे चांस ही नहीं मिला उसके अगेंस्ट जाने का, वो बस मेरे पास आया नहीं. वो निशांत से बात कर रहा था, निशांत तो टास्क में था भी नहीं, वो नेहा से बात कर रहा था एंड उसने काइंड ऑफ मुझे अबैंडन कर दिया था इन द सेंस कि हाँ एंड में मुझे मूस चाहिए बट पता नहीं कैसे. एटलीस्ट मेरे दिमाग में ये था कि मुझे पता है एंड तक कैसे जाना है. इफ ही इज नॉट लुकिंग आउट फॉर मी एंड मैं भी उसका देख रही हूँ, वो नेहा का देख रहा है, तो मेरा कौन देखेगा? यू नो इट डिडंट मेक सेंस टू मी. एंड प्रतीक इज अ स्मार्ट प्लेयर, बिकॉज मुझे उस पर ट्रस्ट था, दैट्स वाई आई सेड कि तुम उन्हें कन्विंस करो, तुम अपनी गेम खेलो एंड गेट हियर टिल द एंड, उतना मैं संभाल लूंगी. यू नो मैंने संभाला ऑटो रिक्शा वाला पार्ट कि एंड में जो आए वो हम उससे सहमति रखें. But I think, I don't know if it was Neha that was egging him on कि हाँ हाँ मूस ने तेरे को धोखा दिया or whatever. But हमें individual खेलने की freedom होनी चाहिए and that's what the game is. मूस कोई एक memorable moment जो आप miss कर रही है Big Boss OTT पे and who are you rooting for? I'm rooting for Pratik and Nishant. I'm rooting for both of them. I think both of them deserve it. And just ki bhi naseeb mein hai, however they play, if Pratik says focused and all of that, then I think both of them are very deserving players. The memory that I miss the most is Pratik aur Nishant ke saath kuch bhi. Whenever it was the three of us, it was super funny. Ek wo part tha jahan pe wo mere ko niche lata ke mere daant mein se tomato nikal rahe the with a flower. मेरे को ड्रेस अप कर रहे थे क्योंकि मैं गुस्सा हुई हुई थी और वो कह रहा था अब आप मनाओ, अब आप मानो एंड कहते अब आप मनाओ. It's like, मैं क्यों मनाओ? Anyway, these moments were very sweet. Lastly, message for your fans. Any message for your fans? Just a big thank you. I think they've been very, very sweet, बहुत supportive and अंदर इतना पता नहीं लगता है जितना बाहर. So, सबसे पहले मुस्कान, hi, welcome to Telecasta. And you know, फिनाले के इतने करीब आकर घर से बाहर निकलना काफी ज्यादा कहीं ना कहीं hurting होता है. तो आपके लिए किस तरह की फीलिंग थी एंड जब आप एविक्स हुए थे तब क्या मतलब क्या इमोशंस थे? आई थिंक विक्ट होना हर्टफुल नहीं था, दैट आई कैन एक्सेप्ट. मेरे में इतनी शमिता है कि मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ. आई थिंक इट वाज जस्ट प्रतीक्स डिसीजन दैट वाज हर्टफुल फ्रेंडशिप बेस्ड. I don't think उसने गेम के लिए नेहा को बचाया, whatever. I just think उसका रीजन जस्टिफाइड नहीं था तो हर्ट हुआ, बिकॉज मुझे उनकी याद आती है एंड आई वॉन्ट बी देयर विथ देम, यू नो, एंड सो वो हर्टफुल था बट दैट्स फाइन. यस यस एब्सोल्युटली. यू नो कई बार ऐसा होता है कि जो बिग बॉस के घर में झगड़े होते हैं या ग्रजेस होते हैं वो लोग बाहर भी लेके आते हैं, तो आपने क्या सिखाया बिग बॉस के घर?
क्या वो ग्रजेस बाहर लेकर आई है या आपका क्या बिहेवियर रहने वाला है जिससे आपके घर में फायर हुई है उस कंटेंट आई थिंक ज्यादातर तो मुझे इतना कुछ इफेक्ट नहीं हुआ था. देर आर सम थिंग्स जो मुझे घर के अंदर पता नहीं थी जो मेरे बारे में कही गई हैं, क्वाइट लाइक बिग थिंग्स जो कही गई हैं, एंड वो प्रोबेबली आईड बी एंग्री अबाउट जब वो आए बाहर एंड क्वेश्चन देम अबाउट. एज फार एज इट गोज विद नेहा, फ्रॉम द स्टार्ट शी इज जस्ट बिन एब्सोल्युटली रूड एंड अननेसेसरी. मतलब इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी उसे कभी, पर वो करती थी. सो वो प्रोबेबली आई होल्ड ऑन टू. आई डोंट थिंक आई एवर बी एबल टू स्पीक टू हर प्रॉपरली. जैसा उसका बिहेवियर था शो पे, हम सारे ही शो पे गए हैं, तुम अकेले नहीं गए हो. आई डोंट थिंक इट्स जस्टिफाइड, स्पेशली क्योंकि अगर वो इतना करती है कि मैं इतने सालों से इंडस्ट्री में, देन यू शुड बी मोर मेच्योर अबाउट इट एंड यू शुड बी फाइटिंग विद द यंगेस्ट पर्सन. आई थिंक इट्स बिट वियर्ड. ओके, एंड एक और बात आपसे ये जानना चाहेंगे कि यू आर द यंगेस्ट कंटेस्टेंट इन द बिग बॉस हाउस एंड फिनाले तक के पहले भी पहुंचना इज अ बिग थिंग. तो आपके लिए यू नो क्या फैन के मैसेजेस थे जब आपने बाहर आकर देखा लोग मुस्कान और निशांत को यू नो बहुत मिस कर रहे उनके मोमेंट्स, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट लाइक इन सच अ यंग एज आपको बिग बॉस ओटीटी में जाने का मौका मिला? I think I'm proud of myself after seeing all the love. It feels good. But ये थोड़ी सी confusion है because बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है. And everyone's saying that जब live चलता था then mostly it was the camera was on me because I मुझे था कि कोई ना कोई बात करता रहे चाहे you know कुछ भी हो. And so मेरे को ये फिर confusion है कि फिर Big Boss वालों ने क्यों निकाला, like in the sense कि why did you make it so that the audience couldn't save me if the audience likes me. अगर एक ऑडियंस किसी को देख रही है और पसंद कर रही है एंड यू आर लाइक ओके हम इनको निकाल रहे हैं, वो मेरे को सेंस समझ नहीं आई. बट इट्स ओके, व्हाटएवर द डिसीजन वाज, द ऑडियंस इज सुपर नाइस, दे आर सुपर सपोर्टिव. एंड वो जब भी निशांत मेरा नाम भी लेता है वो रिकॉर्ड कर करके मुझे भेज रहे हैं कि वो तुझे याद कर रहा है, वैसे याद कर रहा है, मैं भी याद कर रही हूँ. सो दे आर लाइक फ्रेंड्स एक्चुअली, इट्स बीन लाइक दैट. ओके, and lastly nishant ke alawa aap kisko you know top 3 mein dekhti hai ya kaun villain ho sakta hai? I think nishant, prateek aur divya are very strong contenders. Mujhe prateek mein bharosa hai, as long as he ab to chalo khatam hi ho gaya. I think at the end he didn't do that well. I think pehle wo bahut acha khel raha tha and then he messed up, so but I'm still hoping that it goes well for him. Okay, thank you so much, Muskan. All the best for your journey as well. Thank you so much. Bye. Thank you. That means a lot because I think हमारी जो बात हुई थी जाने से पहले, yes, I was scared in the sense कि मुझे नहीं पता था कैसा होगा. But अच्छा गया. I'm surprised. So yes. I like that coming from you actually when you said अच्छा किया. Actually अच्छा किया, man. And it's so glad. I'm so happy that you know it. Like really. Because मैं ये सोच रही हूँ कि अगर घर वाले ना निकालते then I was in the finale week, you know, I made absolutely. it. Absolutely. Yes. So वो I'm good too. So before I start asking you questions, I want to repeat what you said in the previous interview. घर जाने से पहले आपने बोला था that there are a lot of love angles for you outside the house as well. So I want to know the status because we saw a very cute love angle Nishant ke saath ghar mein. So what is the status of those love angles jo ghar ke bahar hai alag alag jagahon mein? The funny thing is actually I'm so impressed ki aapko pata tha ki agar koi love angle tha to wo Nishant ke saath tha, because a lot of people were confused Prateek aur Nishant ke beech, and I was like I wasn't even confused. So aapko kaise confusion thi? I think live mein it was clear, episode mein wo thoda sa dikha rahe the ki main confused hu. I was not confused. जो बाहर वाले थे, आई स्पोक टू देम, आई स्पोक टू वन ऑफ देम एंड ही वाज सो स्वीट. एंड वो कह रहा था कि हिज हाउस हेल्प, वो देखता है ठीक है सारा शो, उसका हाउस हेल्प कह रहा था भैया भैया जल्दी आओ देखो प्रतीक मुस्कान के साथ फ्लर्ट कर रहा है, जल्दी आओ देखो. तो ये रिपोर्टें आ रही थी उसके पास. And it was, he, I don't know, he was actually like I'm so glad कि इसके पास दो फ्रेंड्स हैं जो इसका इतना ख्याल रख रहे हैं. So I think कि मेरी इतने mature लोगों से एक connection बनते हैं life में, I'm so lucky. तो बाकी जो बाहर जो love bonds है वो भी continue.
दे नो मी, उनको पता है मेरा, दे स्वीट अबाउट इट, एंड मेरे से कोई कोई हार्ड कोर एक्सपेक्टेशन नहीं रखता. उनको पता है अगर उनको मेरा प्यार चाहिए या फिर कनेक्शन चाहिए देन ऐसे ही मिलेगा, एंड बहुत अच्छा मिलेगा. आई हैव द कैपेसिटी टू बी लविंग, एंड आई थिंक ये मैंने दिखाया विद प्रतीक एंड निशांत बोथ, यू नो, कि एब्सोल्युटली हैव टू चूज वन, यू कैन लव हूएवर यू वांट एंड नॉट हैव लेबल्स, यू नो. यस, हाउएवर दो ऑब्वियसली वी कुड रिलेट दैट डिफरेंशिएट बिटवीन योर बॉन्ड बिटवीन निशांत एंड प्रतीक, दैट यू नो यू हैव अ ग्रेट फ्रेंडशिप विद प्रतीक एंड ऑफ कोर्स अ लव एंगल, अ क्यूट लव एंगल विद निशांत. आई वुड वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज योर कनेक्शन विद बोथ ऑफ देम राइट नाउ, नाउ दैट ऑफ कोर्स वो शायद वो कंफ्यूजन दूर हो जाती. But unfortunately, you got eliminated from the show. So, abhi show se bahar nikalne ke baad, how are you going to maintain it with Prateek and Nishant? I think when Nishant is just going to be the same, wo kabhi nahi manega ki mereko like karta hai, aur main hamesha kahungi ki nahi tu karta hai, and wo apni harkat karta rahega. Maine usse bola tha, maine nach boliye karenge, nach boliye, and he was like, nahi. So I think wo continue hoga. It will probably stay a friendship. But I'm glad that we'll be able to hang out in the real world. With Prateek, I think it will take a conversation, a few conversations to actually understand. Because jo end mein hua, I think wo main hi bahut patient hu. Main hi, you know, main hi bahut achhi hu. Jo abhi bhi uska naam jap rahi hu har jagah ke wo achha hai, wo achha hai. Varna jo hua, it was not fair at all. And मैंने बहुत जस्टिफाई करने की कोशिश की कि नहीं प्रतीक ये सोच रहा होगा, प्रतीक ये सोच रहा होगा, इट्स फाइन, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नो इट वाज रॉन्ग. सो अगर वो आके समझता है ये बात, ही वॉचेज द शो, ही इट वाज माय कंसर्न. सो अगर वो मेरा कंसर्न समझता है तो आई हैव ऑलरेडी फॉरगिवन हिम, यू नो, वो बात नहीं है, बट ही शुड अंडरस्टैंड. उसके बाद तो आई वुड माय हार्ट इज ओपन, माय आर्म्स आर ओपन फॉर बोथ ऑफ देम. Absolutely. Last question to you. Do you think there was any biasness towards Shamita and Rakesh, especially Shamita, from the host Karan Johar? But then I heard that unka Shamita and Rakesh ka relationship bahut zyada dikhate the, just repeatedly. And mere aur Nishant ka nahi dikhate the connection itna zyada. So I was a bit like, is this a reality show or is this a serial? कि आप अपनी मर्जी से आप जो दिखाना चाहते हो वो दिखा रहे हो, or are you listening to the audience? Because end में तो हमें पता लगा कि you're not listening to the audience. You don't give a rat's fuck. You don't care कि audience को क्या चाहिए, you know. And उसके करके मैं बाहर हुई, so I can be angry about it. But I think he was definitely biased towards Shamita and Neha especially, which didn't make sense to me. Shamita and Rakesh said horrible things about me, which were not justified. And Neha also, so वो आप कभी bring up करते नहीं हो, but they're always the victim, you know. I think it was unfair, 100%.